हेलो एवरीवन, दिस साइड पटना लाइट। आज जो है एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 11th का एग्ज़ाम है और सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम है, और एग्ज़ाम तो है ख़त्म हो चुका है। कैंडिडेट जो बाहर आ रहे हैं उनसे कुछ बातें करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके पेपर आज के शिफ्ट में पूछा गया। सर अच्छा रहा भाई, कितने की है आप? 78। कैसे क्वेश्चन है? क्वेश्चन ईजी, मॉडरेट लेवल था। मॉडरेट लेवल जी। कोई डिफिकल्टी कोई सेक्शन में? नहीं, कोई तो ईजी था, 10th लेवल का था। 10th लेवल का जी। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है हर एक सेक्शन में? अच्छा था, इजी था। हाँ जी। अच्छा, क्वेश्चंस कैसे आए जीएस से? जीएस से मॉडर्न, स्टैटिक और हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स सारे सेक्शन से थे क्वेश्चन जी। करंट अफेयर से कितने क्वेश्चंस? लगभग 8 से 10 क्वेश्चन थे। 8 से 10 जी। और इंग्लिश में? इंग्लिश में मॉडरेट था। मॉडरेट जी। पैसेज में क्या? कॉम्प्रिहेंशन वगैरह और एरर वगैरह था। एरर जी। पैसेज से कितने क्वेश्चंस थे? पैसेज से 5 क्वेश्चन था। कौन से टॉपिक का पैसेज था? पैसेज से नॉर्मली दिया हुआ था। नॉर्मल, हाँ, जनरल टाइप टॉपिक कोई भी जैसे इन्वायरमेंटल टाइप का था। क्लोज टेस्ट था? क्लोज टेस्ट भी था। एंटोसाइनो था। नरेशन वगैरह, वॉइस वगैरह? हाँ, नरेशन भी था, एक्टिव टू पैसिव, पैसिव टू एक्टिव जी। ठीक है, मैथ्स और रीजनिंग कैसा लगा? मैथ्स तो थोड़ा लेवल का था, हाई। हाँ, हाई मतलब कंपेयर करें तो सीजीएल लेवल या सीएचएसएल लेवल का। रीजनिंग? रीजनिंग मॉडरेट था, इजी था। बंद में कौन कौन टॉपिक? रीजनिंग में सारे टॉपिक से थे। पहले ऐसा होता था कोई एक टॉपिक है बहुत ज़्यादा, साइलोगिज्म था और ये कॉमन क्या बोलते हैं, सीटिंग अरेंजमेंट था, वो डायरेक्शन वगैरह का था, वो ब्लड रिलेशन का भी था कुछ। आप कितना उम्मीद कर रहे हैं सही होने का? मेरा तो लगभग सब सही होने का उम्मीद है, क्योंकि जो सही है वही कंफर्म करके बनाया। चलिए, थैंक यू, उम्मीद करता हूँ आपको ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू। आपका बढ़िया रहा एग्ज़ाम। आप कितना बनाए? 65 बनाए। 65 बनाए। हाँ। कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है क्वेश्चन का? क्वेश्चन का तो ठीक ही है, मैथ से, मैथ में अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, जीके में थोड़ा टफ है, और बढ़िया रहा। अच्छा, जीएस में क्या क्या टॉपिक से पूछा जा रहा है? लोक नृत्य से, संगीत से, ये सब चीज से पूछा जा रहा है। ठीक है। और करंट अफेयर्स वगैरह? करंट अफेयर में 2022 से एक आध क्वेश्चन, दो क्वेश्चन था। स्पोर्ट्स से आ रहा है कि नहीं? हाँ, स्पोर्ट्स से आ रहे हैं। स्पोर्ट्स से आ रहा है। ठीक है। साइंस में बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री? ये इतना ध्यान नहीं दिए। अच्छा, पॉलिटिकल साइंस? हाँ, पॉलिटिकल साइंस से क्वेश्चन था। पॉलिटिकल साइंस से क्वेश्चन। हाँ ठीक है। और इंग्लिश में कौन कौन टॉपिक? इंग्लिश में सिनोनिम्स था, एरर था। हाँ। और एक्टिव पैसिव वॉइस था, ये सब चीज था एक आध। अच्छा, आने वाले कैंडिडेट्स के लिए कोई फीडबैक? फीडबैक यही है कि क्वेश्चन इजी जा रहा है, मतलब आ रहा है इजी, लेकिन टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है। टाइम मैनेज करेंगे बढ़िया से तो हो जाएगा। 60 मिनट में 100 क्वेश्चन थोड़ा टफ है बनाना। बहुत टफ है। कितना सही होने का उम्मीद लग रहा है 60 में से? 60 में से 55 सही हो जाएगा। 55। हाँ, मैं चाहता हूँ आपका सारा सही हो, ऑल द बेस्ट। सो इस तरह का अपडेट्स रहा। मैथ्स का थोड़ा लेवल हाई बताया जा रहा है, मतलब लिटिल बिट डिफिकल्ट, और जीएस वगैरह, इंग्लिश वगैरह सब नॉर्मल क्वेश्चन आ रहे हैं। इस तरह के अपडेट्स के लिए हमारे बने रहिए, देखते रहिए पटना लाइट एंड मिक्सअप मैच को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।